हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है पूजा का पिटारा। तो आज हम बनाने वाले हैं बिहार का सबसे लोकप्रिय डिश लिट्टी चोखा और ये हरी चटनी। तो दोस्तों, ठंड में ये लिट्टी चोखा खाने का एक अपना ही आनंद है, तो हम इसकी सारी रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे, तो हमारे साथ अंत तक बने रहे। तो फ्रेंड्स, हम बनाने वाले हैं अभी बैगन का चोखा। तो उसके लिए हमें चाहिए ये भरता वाले बड़े बड़े बैगन और थोड़ी सी लहसुन की कलियाँ। तो हम इसमें लगाएंगे चीरा और इसमें डालेंगे अंदर दो तीन लहसुन। सो जब इसे दोस्तों हम गैस पे पकाएंगे तो इसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा आएगा। तो मैं आपको एक करके दिखाती हूँ। ये लगाया हमने चीरा, तो आप देख सकते हो दोस्तों, ये हमने एक डाला। आप छोटे छोटे लेना, इससे आप इजी रहेगा इसको अंदर डालने में, बहुत बड़े लोगे तो नहीं होगा। अगर आपके पास बहुत बड़े लहसुन है तो आप एक काम कर सकते हो, उसे बीच से इस नाइफ की सहायता से ऐसे कर सकते हो आप, और फिर वो जब पतले हो जाएंगे तो आप इसको डाल सकते हो। तो हमने इसमें डाल दिया, अब इसकी बारी है, इसमें डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये भूनने के बाद कुछ इस तरीके से दिख रहा है हमारा बैगन। आप इसे बहुत ही अच्छे से भूने, आप जितना अच्छे से भूनेंगे इसका स्वाद उतने अच्छे से आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, तो दोस्तों ये बैगन अच्छी तरह से भून चुका है, आप देख सकते हो। अब हम इसे इसके छिलके उतार के इसे अच्छे से मैश। तो दोस्तों, अब हम बनाने वाले हैं लिट्टी के लिए फिलिंग्स। तो हम उसके लिए लेंगे सत्तू, और दोस्तों उसके लिए हमने इसमें डाला है कटे हुए बारीक प्याज, धनिया पत्ता, ग्रीन चिलीज, अदरक और लहसुन का पेस्ट, थोड़े से आम के अचार खट्टापन के लिए, थोड़ा सा लेमन जूस भी मैंने डाल दिया है, मैंने इसमें रखा था, और स्वाद अनुसार नमक लिया है मैंने, भुना हुआ जीरा पाउडर, जीरा और अजवाइन, और मैंने थोड़ा सा सरसों तेल डाला है। तो इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। आप इसका खट्टापन और इसका तीतापन अपने स्वाद अनुसार बढ़ा और घटा सकते हैं। और इसमें हम थोड़ा सा अब डालेंगे पानी इसकी अच्छी सी बाइंडिंग के लिए। तो दोस्तों, आप देख सकते हो इसे हमने अच्छे से मिला लिया है, और ये अच्छे से मिला है या नहीं, इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है उसको चेक करने का एक तरीका है, आप इसको लेके ऐसे बांधो। अगर ये बंद किया मतलब कि अच्छे तरह से परफेक्टली है, अगर नहीं तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हो। तो दोस्तों, अब हम लिट्टी के लिए आटा का तैयारी करेंगे, जिसके लिए हमने थोड़ा सा नमक डाला है, थोड़ा सा जीरा डाला है और थोड़ा सा अजवाइन डाला है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा मोइन के लिए, थोड़ी सी रिफाइन। तो ये हमने डाला थोड़ा सा रिफाइन, और ये आटा है 8 से 9 लोगों की लिट्टी के लिए, तो हम इसे अच्छे से गूंद देंगे। तो दोस्तों, ये आटा तैयार हो गया है, और आटा को थोड़ा सा सख्त रखना है लिट्टी के लिए। 1 दोस्तों, अब हम करेंगे चोखा की तैयारी। इसके लिए हमें चाहिए उबले हुए आलू, ये हमने बैगन जो पकाया था वो मैश्ड किया हुआ, और थोड़े से उबले हुए टमाटर 6। तो अब हम इसमें डालेंगे पहले थोड़ा सा सरसों तेल। लिट्टी के लिए सबसे ज़रूरी है सरसों तेल। अगर दोस्तों आपके पास सरसों तेल नहीं है तो फिर वो जो स्वाद आप खोजना चाहते हैं लिट्टी में, वो जरूर ही जरूर मिसिंग रहेगा। तो अब इसमें हमने डाल दिया मैश्ड किया हुआ ब्रिंजल, अब डाले उबले हुए टमाटर, इसको हम अच्छे से मैश कर लेंगे। सो दोस्तों, ये अच्छे से देखिए मैश हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, मैंने जो कि लिया है 2 टेबलस्पून, थोड़ा सा क्रश किया हुआ जिंजर और गार्लिक, कटे हुए प्याज, ये मैंने लिए हैं करीब 2 कटे हुए प्याज, और ग्रीन चिलीज स्वाद अनुसार। आपको तीखा पसंद है तो आप ज़्यादा ले सकते हो, आपको कम तीखा पसंद है तो आप कम ले सकते हो, मैंने 2 मीडियम
ग्रीन चिलीज लिए हैं। दोस्तों लिट्टी में कई बार लोग भुने हुए चोखे भी खाते हैं, तो इस बार हमें मन था कि हम बिना फ्राई किया हुआ चोखा खाएं, तो हमने इस तरीके से बनाया है। जो हमने प्याज, अदरक लहसुन और ग्रीन चिलीज डाला, उसको थोड़ा सा तेल में फ्राई करके फिर ये चोखा डाल देते तो वो फ्राइड चोखा हो जाता। तो दोस्तों हम लिट्टी के साथ खाने के लिए बना रहे हरी चटनी, जिसके लिए हमने लिया है उबला हुआ टमाटर। इसे हम ज़्यादा नहीं उबालेंगे, बस थोड़े से गर्म पानी में उबाल लेंगे। और इसमें डाला अब हमने थोड़ा सा बंच ऑफ धनिया पत्ता, दो छोटी सी हरी मिर्च, थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक और बिल्कुल थोड़ा सा सरसों तेल। इसे ज़्यादा मत डालिएगा दोस्तों, इससे ज़्यादा झांस लगता है, बस थोड़ा सा स्वाद अनुसार। और हम इसको अच्छे से कर लेंगे ग्राइंड। दोस्तों इसमें हमने डाला है एक प्याज उबला हुआ, आप चाहें तो कच्चा प्याज भी डाल सकते हैं, बट उससे थोड़ा सा झांस लगता है कच्चे प्याज का, तो हमने उबाल करके डाला है। अब इसे अच्छे तरह से ग्राइंड करें। तो दोस्तों ये चटनी बनके तैयार है। तो दोस्तों लिट्टी भरने के लिए हम थोड़ा सा छोटा सा आटा का बॉल ले लेंगे, उसे अच्छे से धीमे धीमे, ये देखिए मेरी मम्मी कैसे कर रही है। तो बेसिकली ये बीच में थोड़ा सा थिक रहेगा और किनारे किनारे थोड़ा पतला, इस तरह से हम इसमें सत्तू की फिलिंग्स भरेंगे। इसको अच्छे से धीमे धीमे हाथ से प्रेस करते हुए अब इसका गोल बनेगा। ये देखिए कितने अच्छे से मम्मी बना रही है। तो दोस्तों लिट्टी के लिए हम ये लिट्टी की मशीन यूज करने वाले हैं। आप चाहे तो इसे गोइठा पे भी बना सकते हैं गोबर के उपले, क्योंकि हमारा गोबर का उपला भी खत्म हो गया है, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इस मशीन पे बना ले। तो ये मशीन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही हैंडी है, आप देख सकते हो। तो इसे थोड़ा देर प्री हीट करना है और ये जो ऊपर की जाली है इस पे हम लिट्टी रखते जाएंगे। तो अभी मम्मी दिखाएगी हमें लिट्टी रखते हुए। ये देखिए तो देखिए इस तरीके से हमने जाली पे अच्छे से ये लिट्टी के बॉल्स फैला दिए हैं। अब हम इसे पकने के लिए इसका लिड लगा देंगे। कितने देर तक हमें इसे रखना है मम्मी जी? बीच बीच में इसे उघाड़ कर देखना है। तो बीच बीच में मम्मी बोल रही है कि इसे उठा करके देखते रहेंगे और लिट्टी को पलटते रहेंगे। तो दोस्तों 5 मिनट के बाद हमने लिड हटाया और इसको मम्मी पलट रही है, तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो नीचे में जो भी पक गया है अब उसको ऊपर की ओर कर देंगे और ऊपर का कच्चा पार्ट नीचे की तरफ कर देंगे। तो दोस्तों देखिए 10 मिनट के बाद ये हमारा लिट्टी, कुछ कुछ लिट्टी दोनों तरफ से पक चुका है। तो जो जो लिट्टी पक गए हैं अब उसे हम घी में डालेंगे। दोस्तों आप देख सकते हो कि ये लिट्टी में क्रैक्स आ रहे हैं, ये मतलब कि ये अच्छे से आपका लिट्टी अंदर से पक चुका है। तो ये लिट्टी अच्छे से पकने की निशानी है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का हमारा लिट्टी चोखा और हरी चटनी की रेसिपी, हमें ज़रूर बताइएगा अपने कमेंट्स के ज़रिए। एंड डू लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर न्यू यूट्यूब चैनल विच इज़ पूजा का पिटारा। बाय फ्रेंड्स।